हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयंसी कलेक्शन। आज मुझे गोटे बहुत ही बढ़िया वीडियो नहीं के आसी। आउ एटा बहुत महिला मानकर प्रॉब्लम थाए, बहुत झियो मानकर प्रॉब्लम थाए, तेणुकरी भाविली आपण मान सहित यही गोटे बढ़िया जिनस सेयार करी। जो मैंने यही असुविधा देकी जाउचंती से माने काहा को कही पारंती, आ बहुत सारा समस्या रे माने माने मन भितर रखी थांती, स्ट्रेस रे बहुत रुहंती। तेणुकरी भाविली आज आ उपर गोटे वीडियो निहाती आबे नेके आसीबी। मु आगुरु आ उपर केबे एमती फ्रंडली कथा हे नै टॉपिक उपर, किंतु आज भाविली जेहेतु समस्ते आ विषय कथा होउचें त मु काई पछरेबी, मु आपण सहित यही सब जिनस सेयार निहाती दरकार। जेहेतु मो सहित बहुत भौणी माने जोड़ी होती, बहुत महिला माने जोड़ी होती, तो समस्ते किसी ना किसी जानवा दरकार ए विषय रे। बहुत लोग था माने बहुत किसी जाणी न था, तेणुक भाविली आज कहबी जो मानकर हठात देखिए पीरियड बंद हो जाऊँ किंबा मास मास धरे पीरियड होउनी, कौन पाई होउनी, काहेकि होउनी, तार सल्यूशन आम केमी बाहर करवा, आ कौन कले आम पीरियड ठीक टाइम आसो, आज मुझे विषय में आपण मानों सहित सेयार करी। तो फास्ट टू लास्ट जाए वीडियो को देखिए, पूरा देखने ही बुझीपर सब जिनको, आ सब जिनको जापारे, आज लाइफ मैंने अप्लाय करें। तो पीरियड कहीं बंद हुए विभिन्न प्रकार कारण थाए, तो बहुत गुड़े रिजन थाए पीरियड बंद होवार। प्रथम तो हूँ हार्मोन इनबैलेंस हवा, जितेबाला आपणकर हार्मोन रे किसी एपट सेपट होता है, देखिए आपणकर माने पीरियड बंद होता है टीनएज्र झी हूँ कि टी 22 वर्ष झी हूँ कि महिला भी हूँ, देखिए से पीरियड बंद होता है। से अचानक बुझीपारती एमती भावती आम सैकल किसी गड़बड़ अच्छी, तो इग्नोर कर दिखती, हाँ एवं आसनी आ 15 दिन पर आसीजो कि मसे पर आसीज, बट से मानने प्रपर सल्यूशन नुह। आउ सेटा बहुत खराब, जो मैंने एमती डिले करती मैंने ताऊपर किसी एक्शन नियंती नहीं, सेटा बहुत खराब। गोटे महिला रो तार डेलिका लाइफ रे प्रत्येक मास रे ठीक टाइम रे 20 डेज रू 30 डेज भितर से सैकल गोटे थर हो निहाती दरकार, नहले सेटा बहुत खराब होता है गोटे लेडिज पाई। तापरे होची स्ट्रेस, जो मैंने अधिक स्ट्रेस नियंती माने सब बोले स्ट्रेस रे रुहंती, से मानकर भी देखिथिबे माने हार्मोन एपट सेपट होता है, आउ से पीरियड मध्ये आसवे डिले होता है कि पीरियड 2-3 मास डिले रे आसता है कि बंद हो जाता है, बहुत समय पर एमती बंद हो रही थाए, तो सेटा होची गोटे मुख्य कारण। तापरे होची आ गोटे कारण हूँ प्रेगनेंसी भी जदि आपणकर अचानक हो जाऊँगी सेतेबेले आपण पीरियड बंद हुए, सेटा तो नॉर्मली समस्ते जाणि ही पारंती, तो सेटा रे किछ असुविधा नहीं, सेटा लोक जाणि ही दियन जदि कंटिन्यूअसली पीरियड आसुथु हठात बंद होला, तो जदि से माने एक्सपेक्ट करूथिबे प्रेगनेंसी पाई, तो से माने टेस्ट करके जाणि पारंती, तो सेटा रे किछ असुविधा नहीं। आ गोटे हूँ सडन आपणकर जदि वेट लॉस हो जाऊँगी सेतेबेले भी आपणकर पीरियड बंद होवार चांसेस रहिथे, किंबा आपण अचानक बहुत ओबेसिटी आडु पड़ोचुन मोटापा आड़ पड़ोचान से भी आपंकर पीरियड बंद हो जाए, तो यह सब प्रति आपड़ निहाती आप ध्यान दिंतु। आजिकार डेट्रे बहुत गोटे झील मान क्षेत्र में होती जोटा कि हूँ PCOS, जोटा कि हूँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जोटा को कहुए, तो आम ओवरी रे टिश्यू टाइप रे टे मैंने रिब्रिप टाइप रमती जाए, तो सहीटा जो सिस्ट हो जाए कहते सहीटा हो फल पीरियडटा बंद हो जाए, जोटा कि जमा भी भल कारण नुह। आर कारण हूँ एक्सरसाइज नक निजर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन न करिबा, पानी ठीक रे न पीबा, बाहर फास्ट फूड अधिक खाइबा, ए सब कारण जो ए सब जिंस हेइथाय। आ गोटे कारण कहबी, जो माने ओवर एक्सरसाइज करंती महिला माने सेमानक क्षेत्र एटा देखा जाए, एक्सरसाइज करिबा भलो बट ओवर एक्सरसाइज करिबा भलो नो, माने बहुत ही माने जिम जाए कि बहुत ही माने ओजन ओजन जिनस टेकवा हो, बहुत वेट लिफ्टिंग करवा हो, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करवा हो, सेटा करवा द्वारा मध्य भी माने मेंस्ट्रुअल साइकिल आम एपट सेपट होता है। आ गोटे है बाथ कंट्रोल पिल, जो माने बाथ कंट्रोल पिल रेगुलर बेसिक रे नियंती से मानकर भी पीरियड बेले बेले डिले होता है, 2-3 मास रही जाए पुणी होता है, यही भाया प्रोब्लेम से मानते। आ गोटे हूँ रिचिंग द मेनोपोज, जोटा कि एटा नॉर्मल नेचुरल जितेबाला आम मेनोपोज आड़क जाऊ था, तो सेतेबेले भी आम ये सिस्टम सब देखा जाए, मैंने ये परिस्थिति देखिए आम जाइ, तो ये सब जिनसरु आमे केमिति मुक्ति पाइबा, कौन करिबा द्वारा आमर माने प्रत्येक मासरे ठीक भावे पीरियड आसीबो 28 डे कि 30 डे रो साइकल गोटे ठीक भावे हबो, तो सेटा आज मु आपण मानो सहित शेयर करी। प्रथमे तो होची आपणकर लाइफस्टाइल को ठीक करंतु, सबबेले हेल्दी खांतु, भल डाइट नियंतु, निजको हाइड्रेट रखंतु, आउ बाहर रो फास्ट फूड जंक फूड मैदा तेल फ्राइड ए सब जिनस को खाइबा कमी दियंतु, एटा होची मेन कारण आमे जेले बेसी बाहर रो खाइबा खाइतौ आम बॉडी उपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, PCOS भोलिया समस्या आम बॉडी रे देखा जाइथाय, तो एटा प्रति निहाती आपे ध्यान देबे। आउ चेष्टा करिवे प्रत्येक दिन माने योगा एक्सरसाइज करबा को, आउ पेल्विक एक्सरसाइज जोडा को आमर देखि
ପାରିବେ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଥାଏ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କ୍ୱାଟ୍ କରିବା ହଉ କିମ୍ବା ପେଲଭିକ୍ ଏରିଆର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ୍ରେ କରିବେ, ଆଉ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ନେବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଲ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆଇରନ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ପପେୟା ହେଲା, ପାଇନାପଲ୍ ହେଲା, ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା, ଲେମନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଜିଞ୍ଜର୍ର ପାଣି ଆପଣ ପିଇବେ, ମାନେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଦାର ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ନା ଦିନରେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି ଖଣ୍ଡେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କିମ୍ବା ସପୁରୀର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଇଭିନିଂରେ ଆପଣ ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କିଛି ହର୍ବାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସିଥାଏ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣ ଦିନକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥର ଆପେଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର ୱାଟର୍ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିଇପାରିବେ। ଏଇଟା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ବଡିକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଟକ୍ସିକ୍କୁ ବାହାରକୁ ମାନେ ଟକ୍ସିନ୍ ଯେତକ ଅଛି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆପେଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଆପେଲ୍ ସାଇଡ଼ର୍ ଭିନେଗାର, ମୁଁ କହିବି ଜିଞ୍ଜର୍ ୱାଟର୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ପିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ସେଟାର ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ, ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି, ଆଇରନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି, ପୋଟାସିୟମ୍, ତ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ପପେୟା ହେଲା, ପାଇନାପଲ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଫ୍ଲାକ୍ସିଡ୍ ଆଉ ସୋୟାବିନ୍, ଏସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଅଛି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଡେଲିକା ଲାଇଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଜମା ବି ଖାଇବେନି, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ପିରିୟଡ଼୍ ହେବାରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ମଇଦା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକିଏ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟିକିଏ ଲାଇଫ୍ରେ କମ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାତି ରାତି ଶୁଅନ୍ତିନି, ମୋବାଇଲ୍ର ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ବଡି ଉପରେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସୁରାଲ୍ ସାଇକେଲ୍ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି PCOS ହୋଇସାରିଛି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜମା ବି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭଲ, ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଆମର କ୍ୟୁର୍ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ନେଇକି, ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଗାଇଡ଼୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ବି ବତେଇବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପିରିୟଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ସପ୍ତାହେ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ଼୍ ଅଟକି ଯାଇଛି ତ ନିହାତି ହେବ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ହୁଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ବି ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ପିଇଲେ କାଲି ସକାଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପିରିୟଡ଼୍ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ବନା ହୁଏ, ବହୁତ ସହଜ, ଘରର ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ବନିଯିବ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ତ ବନେଇବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ବନା ହୁଏ ଦେଖିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍କୁ ବସେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ବୋଲ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେବି ଦେଢ଼ କପ୍ ପାଣି, ଆଉ ଆପଣ କପ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଜୁସ୍ ଗ୍ଲାସ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ନେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ମେଥି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଅଧିକ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଲେ କାଫି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଘର ତିଆରି ହଳଦୀ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଳଦୀ ନେବେନି, ଟିକେ ଘର ତିଆରି ହଳଦୀ ନେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚର ପାଉଡର, ଆପଣ 4-5 ଗୋଲମରିଚ କୁଟିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଉଡରଟା ବି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଏଇ ପାଣିକୁ। ଆମର ମେଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ତାସିର କୁହନ୍ତି, ଗୁଣ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ଜିନିଷଟି, ତ ଆମର ପିରିୟଡ଼୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଲମରିଚ ଦେଇଛେ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଛେ, ତାର ବି ଗୁଣ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆମର ପେଟକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏସିଡ଼ିଟି ସମସ୍ୟାକୁ କମେଇଥାଏ, ଆମ ଗଟ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ଆଉ ଛାଣିକି ପିଇବାର ଅଛି ଉଷୁମ ଉଷୁମ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଡ୍ରିଙ୍କଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାନେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମିତି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ଏଇଟାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ପିରିୟଡ଼୍ ନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ, ମାତ୍ର 3 ଜିନିଷ, ଘରୋଇ ମସଲାରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନିଥାଏ।
किंतु समस्त आ विषय जाणी नाहांती तेणुकर मुझे आपण मान कहली तो यहाँ रेगुलर पियंतु सबुदिन सका उठे मुह न धोईकि यहाँ बनातु पियंतु यहाँ आपंकर पेट को क्लीन कर गट को क्लीन कर आपंकर कन्स्टिपेशन होगा दबानी एसीडिटी प्रोब्लेम को ठीक कर आपंकर बेस ओबेसीटी हो मोटापा होटा को भी आप देखिए बहुत कंट्रोल हो दिनों दिन जेहेतु आम बाहर जिनस अवॉइड करवा ये टाइम पीरियड न मानने आसवापी ये सब जिनस को आम करुवा तो सागे जो ड्रिंकटा ना ना आम बहुत बढ़िया स्किन माने आमर वेट लॉस हम तो आपन निहती ट्राए करंतु आउ ए ड्रिंक एत्ते बढ़िया ही थाए जे जदि जो मानकर नॉर्मल कारण जो को बंद हितबो ना से मानकर जदि दिने दिदिन भी पिउचन तापर पीरियड पळे आस्थाय जदि आपनकर आसनाय मु कहि मिनिमम आपन 15 दिन पी कि देखंतु देखिबे आपनकर निहती एबे पीरियड हबो जदि न होउची मु कहबी ताहेले आपन डॉक्टर को निहती एबे परामर्श करंतु जदि आपनकर पीसीओएस रो प्रॉब्लम हि जैतिबो ताहेले सेटा बंद हि जैथै पारे सेटा न हो पारे तेणुक आप थे चेक करई ने तो किंतु होम रेमेडीज एटा बहुत बढ़िया काम दे था आउ गोटे होम रेमेडीज मुझे आपत सेयार करी आपत कि मेथी को क्षीर में भिजे रखि दिंतु धर 100 ग्राम मेथी नियंतु से आप हाफ लिटर क्षीर से भिजे रखि दिंतु तापर ताको कौन करूँ ना टे आप बॉइल्ड कर दिंतु बॉइल्ड करके क्षीरटा टी मरी आस मानने मेथी मानने टिके माने तार कंसिस्टेंसी टिके माने ठीक है जो तापरे आपण गैस को बंद कर देबे से मेथी को आपण खरा रे सुखेबे जित्ते बेले मेथी पूरा सुखी जीव आपण ग्राइंड करके से मेथी रो दिन को 2 चम्मच आपण खाई परबे जो छोटो पिला अछंदी 13 वर्ष ऊपर को 20 वर्ष भीतर अछंदी गोटे चम्मच नंदु 20 वर्ष ऊपर कहले आपण 2 चम्मच खाई परबे तो आराम से आपण सखाळु गोटे चम्मच खाई नंतु देखिबे आपण को पीरियड्स बहुत जल्दी आसीबो मिनिमम 3-4 दिन खाइला पर आपण को पळे आसो मैक्सिमम 7 डेज भीतर आपण को पीरियड पळे आसीबो तो निहाती एबे ट्राई करबे म जे दुईटी रेमेडीज कहली गोटे बने के देखली आउटे कही भी देली जदि नहला डॉक्टर को निहाती एबे परामर्श करबे मु किंतु कहबी आपण बेसी नै 15 दिन ए सब रेमेडीज को ट्राई करी देखंथ आपण को निहाती एबे पीरियड आसीबो आउ केमती लागुची मोर ए छोट छोट वीडियो मते निहाती एबे शेयर करबे आपण को मतामत देबे आउ जदि आपण को टिके भी भल लागिथाय ताले गोटे लाइक करबे आउ कोड देखुची मो वीडियो को निहाती एबे आपण को शहर रो नाम लेखिबे कमेंट सेक्शन रे मते बहुत भल लागिबो आ मुझे जानकु चाहूँगी मो वीडियो को जगह पहुँची पार्टी आदि फेसबुक रे देखुं फॉलो निहाती एवं करने इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करने आदि यूट्यूब देखुं सब्सक्राइब करने को भूल जब नुआ देखुं जो मैंने तो सब्सक्राइब कर दीजिए से लाइक करेंगे सेयार करेंगे आदि नुआ देखुं सब्सक्राइब करने को भूल सैड जो बेल आइकन अच्छी अन् नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे ताद्वारा आपने मोर एम भल भल भिडर नोटिफिकेशन पारे आम इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करनी आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया पोस्ट करता है तो आगे मुझे आप मानों पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस नहीं कैसी भी तो आज ही पे ये थी कि बाय बाय।